आज मैंने असेंबली में रिलायंस के प्रमुख श्री मुकेश भाई अंबानी, इनके एंटीलिया जो उनका निवास स्थान है, इसके बाहर जो एक स्कॉर्पियो मिली जिसमें जिलेटिन था और धमकियों का एक पत्र था, इसका मुद्दा उपस्थित किया। इस पूरे मामले में कई प्रकार की बातें सामने आई है। विशेष रूप से इसके जो मालिक थे मनसुख हिरेन, जिनकी एक गाड़ी थी, उन्होंने जिस दिन उनकी गाड़ी चोरी गई, जहां उनकी गाड़ी बंद हुई वहां से वो क्रॉफर्ड मार्केट आए और क्रॉफर्ड मार्केट में एक व्यक्ति से उन्होंने मुलाकात की। वो व्यक्ति कौन है, ये इसमें सबसे बड़ी कड़ी है। और ये गाड़ी जब वहां स्पॉट हुई तो लोकल पुलिस से पहले पुलिस के अफसर सचिन वाजे, ये वहां कैसे पहुंचे, उन्हीं को वो चिट्ठी क्यों मिली, ऐसे कई मुद्दे ध्यान में आते हैं। विशेष रूप से गाड़ी चोरी हुई वो भी थाना की, आयोग का घर भी थाना में, और इतना ही नहीं तो गाड़ी चोरी होकर जिस रूट से आई और वहां पार्क हुई, और साथ में दो गाड़ी, एक और गाड़ी आई थी, एक स्कॉर्पियो और उसके साथ एक सफेद इनोवा, ये दोनों थाना से ही आकर वहां पर एक गाड़ी पार्क हुई और दूसरी गाड़ी निकल गई। और इतना ही नहीं तो इन्हीं सचिन वाजे को आयो करके अपॉइंट किया गया, और उसके बाद एक टेलीग्राम चैनल पर पत्र मिला किसी जयशुल हिंद इस संगठन का, जिसने इसकी जिम्मेदारी ली और कहा हम रैंसम मांगते हैं और हमको हमने बोला उतना पैसा, एक क्रिप्टोकरेंसी नंबर दिया और इसके ऊपर दिया जाए, एड्रेस के ऊपर दिया जाए। वो पूरा एड्रेस गलत था, और जैसे ही ये आया दूसरे दिन, ये जो तथाकथित जयशुल हिंद है, इन्होंने भी एक पत्र जारी किया और उन्होंने इस पूरे चैनल के ऊपर आए पत्रक को गलत ठहराया, और उन्होंने कहा हमारा इससे कोई संबंध नहीं है, हमने इसकी कोई जिम्मेवारी नहीं ली है। इसमें सबसे आश्चर्य की बात यह है कि ये जो आयो है वाजे, अगर हम देखें तो जून, 8 जून 2020, 25 जुलाई 2020 और कई बार ये जो मालिक है इनके साथ इनकी टेलीफोन पर बातचीत हुई है। और आज मैंने हाउस में जिस समय इनाय को यह हैंडओवर किया जाए ऐसी मांग की, उस समय मैंने यह आशंका जाहिर की कि ये जो मनसुख हिरेन है, ये मनसुख हिरेन को तुरंत सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि ये इसमें की सबसे बड़ी कड़ी है और इनकी जान को खतरा हो सकता है। और अभी अभी पता चला है कि आज अभी कुछ समय पहले उनकी डेड बॉडी मिली है मुमरा के एरिया में, ये डेड बॉडी मिली है। इससे ये पूरा प्रकरण बहुत ज्यादा फिशी हो रहा है, ये बहुत ही गंभीर हो रहा है। हमारी मांग है कि जिस प्रकार के तथ्य सामने आ रहे हैं और इसका टेरर एंगल भी जो बताया जा रहा है, ये सारी चीजों को देखते हुए इस पूरे प्रकरण को एनआईए को हैंडओवर किया जाए, इस प्रकार की हमारी मांग है।